Welcome you all. It's a great honor that today we have Padma Shri Shri Ujjwal Nigam ji. Such great personalities from our field to grace this occasion, and we are extremely grateful and thankful for being here with us, for blessing us, for supporting us. सबसे पहले पर ये आप सब लोगों का प्यार काजी जी हाँ प्यार है कि आप सब दो दो घंटे ट्रैवल करके यहाँ उपस्थित हैं और निगम भाई का मेरा रिश्ता मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता इसलिए मैं ही हूँ जो इनको ये कष्ट दे सकता हूँ जो ये ट्रैवल करके आए हैं भाई सोनाली जी रूबी भाई सारे परिवार के लोग हैं सारे कलाकार हैं तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए पहले हम रूबी भाई यह आशीर्वाद रूबी भाई का और उज्जवल जी का मिला है तालियां जोर से बज सकती हैं इनकी चाहूंगा कि इसके साथ ही पहले ठीक है
ओके रेडी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडीड माय प्लेजर टू बी बिफोर यू एस्पेशली फॉर इनॉग्रेटिंग दिस न्यू फंक्शन दैट इज द एमएस डांसिंग कंपनी। आई नो Sandeepji very well since number of years, but we lawyers are very interesting persons. We write 10,000 words, but still we call it the brief. और मुझे पता है कि संदीप के ऐसे बनने में कलाकार हैं कि मेरा और उनका परिचय 20 साल में अकोला में एक मर्डर केस के लिए चला लिखने जा रहा था। ट्रेन में ही हमारे मुलाकात हुई। He invited me to watch our program, and I was fairly conceited at that time. I was not knowing at all the Kathak and all this. I can do the criminals to dance to my tune, but this was a new thing, and I realized that in Kathak, you see, lot of energy is required. And my officer just now told me before I left this town, sir, will require about at least 2 hours. Whether we should go? No, I have made a commitment. And really, I am delighted that Sandeep ji ne achhi company dancing, chahe hamare bachche log jo hamari purani kala hai, se seekh rahe hain. And I wish you all the success to him and to their son. Thank you very much.
अपने भाई भी हैं, बाप भी हैं और गॉडफादर भी, जो भी आप कह रहे हैं, और इनके जरिए एक जो फिर परिवार बढ़ता गया, उसका जो बुनियादी जो हमारे घर बने उनमें एक घर था और है, वो है, वो बनाने की कोशिश में थे और कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी रुकावटें आई होंगी, इन्होंने समझौता नहीं किया कि मुझे यही क्यों बनानी है और इस लेवल में बनाना है, और वो अपनी स्थिति आगे का कार्यक्रम एक 5 मिनट के लिए शुरू करें निगम साहब को, क्योंकि मुझे और 2 घंटे का तकलीफ नहीं देनी क्योंकि मैंने बुला तो लिया है। उसका मैं बहुत दाद देता हूँ और मुझे लगता है
कि इस एकेडमी से हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां ये कला जो हासिल करेंगे उससे एक मानसिक तो शांतता है लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। मैं तो हमेशा गुनहगारों के खिलाफ लड़ता हूँ, मैं कानून के संगीत पर गुनहगारों को नचाता हूँ, लेकिन आज मैंने इनके एकेडमी के जो डांस देखा मुझे लगता है कि हमारे से भी ये बढ़कर डांस होगा, क्योंकि इसमें जो लगता है वो एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें मैंने आज इन बच्चों के पास देखी। मैं बहुत बहुत MS एकेडमी को शुभकामनाएं। संदीप जी क्या कहना चाहते हो, आप कितनी खुशी हो रही है सर के प्रेजेंस में? मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज कि इतने बिजी शेड्यूल में से ये इनका प्यार और देखिए संस्कृति और कला से जुड़े हुए, क्योंकि सेवा तो हिंदुस्तान की कर रहे हैं और मैं भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ, एक बच्चा हूँ, क्योंकि मैं कल्चर को आगे लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे शख्स का आज मेरी कंपनी को, मुझे गुर्दा को ये आशीर्वाद मिलना, मेरे सारे डांसरों को, मेरे बच्चों को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। और मैं अपनी पूरी मीडिया से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और ये कल्चर आज जो अंधेरी में ये सेंटर खुला है ताकि ये संस्कृति हर घर तक जाए। हिंदुस्तान की पहचान ही संस्कृति और कल्चर है और मैं यही सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आशीर्वाद बनाए रखें। और निगम साहब का मैं धन्यवाद या थैंक यू बहुत छोटा लफ्ज़ है, ही इज़ अ मैन ऑफ हिंदुस्तान ही, मुझे इनमें हिंदुस्तान नज़र आता है और ये हिंदुस्तान के लिए जिस चोटी पे खड़े हैं मैं उसी तरीके से कला को भी उस चोटी पे ले जाना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। उज्जवल सर, लॉट ऑफ न्यूज कमिंग दैट आमिर खान डूइंग योर बायोपिक, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? वी हैव कमेंट सर, आज का आमिर खान सर, लेकिन आपको क्या लग रहा है आमिर खान अगर करना चाहे तो आप कैसे देखते हैं? चलो ओके, ऑल द बेस्ट सर। वन मोर न्यूज गुप्ता जी के लिए कुछ बोलना चाह रहे हो? लोकसभा इलेक्शन 2024 फ्रॉम गुप्ता जी के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुन लीजिए मैं भाई, कम इन द फ्रेंड, आप नहीं, 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 बहुत थैंक यू ना, बाकी लोग तो उठेगा नहीं, बैठ जाओ संदीप सर, क्या कहना चाहते हो डांस एकेडमी में आप आए हो, डांस आपने देखा, कितनी खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है, एक तो हमारी परफॉर्मेंस मैंने देखी है उससे निकल नहीं पाया, इसलिए मैं अभी स्पीचलेस हूँ। इतना ज़बरदस्त, मैंने अभी मैं लिखूंगा कि यही बात कर रहा था कि मुझे याद नहीं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट कहाँ पर। और दूसरी बात ये कि ये संदीप जी का वैसे भी ये आर्ट की सेवा करना है, लोग हिंदुस्तान में ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये दुआएं भी कमा रहे हैं साथ में। और मतलब कथक को जिंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मतलब बहुत मेरे दिल से दुआ है कि इसमें बहुत कामयाब। संदीप सर क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, मेरे बड़े भाई हैं रूमी भाई और इंडस्ट्री के एक ही नाम है जिन्होंने कम से कम 70-80 फिल्में सुपर हिट दी हैं एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन पे डायलॉग। तो मेरा सौभाग्य है कि ये यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे एकेडमी को आशीर्वाद मिला है, मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं रूमी भाई का मतलब वही वाली बात है कि थैंक यू। और बहुत छोटी चीज़ इन लोगों का वक्त मिल जाना और यहाँ उपस्थित हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ा है। हमेशा आएंगे, कोई तो मैं काम कर रहे हो, नेक काम हम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम। इंडियन क्लासिकल डांस को आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आजकल हम देखते लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, क्या देखिए क्या है, हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पैदा हो। तो हिंदुस्तान का जो क्लासिकल डांस है वो हमारी पैदाइश है, वो हमारी पहचान है। कोई भी कला बुरी नहीं, किसी को भी करने में कोई एतराज़ नहीं है, पर हाँ हम एक अदब, एक कल्चर हिंदुस्तान में पैदा हुए तो ये क्लासिकल डांस जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, अदब भी सिखाता है, प्रेजेंटेशन भी सिखाता है, स्टेमिना भी सिखाता है। जितनी भी पहले बॉलीवुड की हीरोइंस थी वो सारी क्लासिकल ट्रेंड थी, इसलिए उनका कोई कंपेरिजन नहीं आज के डेट में। तो वो सारी चीज़ें होना
क्लासिकल को जितना पढ़ाएंगे जितना मीडिया लोगों तक पहुँचाएंगे, और अब बहुत सारे माध्यम आ रहे हैं जहाँ पे क्लासिकल का अप्रिसिएशन हो रहा है, आ रहा है, और हम मैं भी बहुत कुछ लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर लोग देखेंगे कि क्लासिकल डांस की क्या ताकत है, तो इसी तरह बढ़ते रहेगा। हम कल रूमी जाफरी सर और आप एक टुगेदर काम करने वाले हो कोई प्रोजेक्ट में सर, आप इंडियन डांस कल्चर को लेके करेंगे, एक नहीं बहुत सारे काम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। बिल्कुल, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आएंगी तो पता चलेगा। जी जी जी, धन्यवाद। क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, क्लासिकल सिंगिंग हो, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो संस्कार, हमारा जो कल्चर है, मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप दूसरे की माँ से की इज्जत कीजिए, अपनी माँ से कर प्यार कीजिए, समझे ना, आप अपनी चीज़ को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आप सब कुछ कीजिए, ये नहीं बोला कोई खराब या गलत है, और ख़ासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में आप है ना कमर्शियल सिनेमा बनाते सब कुछ, लेकिन जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, अपने कल्चर को, अपने संस्कार को, अपने धरोहर को, या हमारे क्लासिकल चाहे वो नृत्य हो सकती है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, जगह देना चाहिए। कुछ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा करूँगी, और ये झूठ नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम है लाइक में तो मैं करती हूँ, आपकी इजाज़त से इसके बाद मैं जयंती जी से रिक्वेस्ट करूँगा। Thank you.
Just one minute, please. Sorry. चलो स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती जो है वो बड़े दिल से दिल को राह देती है और मैं ये चाहूँगी कि इन्होंने जितनी मेहनत से और जितनी खुशी से और लगन से ये बोला है आज का दिन बहुत खूबसूरत था। सब ने हाजिरी दी, सब नाचे और इनके शागिर्द बेहतरीन नाचे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो तो बस हाजिर हूँ। मैं वही कहना चाहूँगा जो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत खूबसूरत कलाकार दोस्त है। ऐसी कलाकार बहुत मुश्किल से होती है जो हर फन में कमाल है। जब इन्होंने एक्टिंग की कमाल किया जबकि आज भी जगह वहाँ भी मुकम्मल है। नृत्य किया तो ऐसा किया कि नज़र टिकी रहे और महाराज जी की वन ऑफ द फेवरेट शिष्याओं में से रही। सेवा की कला के लिए आज भी जी रही है, आज भी बहुत कुछ करती हैं। देखिए आज उपस्थिति जो होती है वो बताती है कि इंसान को उस कला से कितना प्यार है। हम लोग दोस्त हैं, जुड़े हैं और बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ आ रहा है और इनके पास जो खजाना है वो लोगों तक पहुँचेगा। मतलब इनकी जो सोच है कला को लेकर, ये जो कर रही है, जो इनके फोर्थ कमिंग प्लान्स बड़े बड़े हैं जो कथक के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो हम जैसे लोगों की शायद ड्यूटी यही है कि हमने हमारे गुरुओं से जो सुना सीखा कि इसको किस तरीके से बढ़त करना है उसी में लगे। हम लोगों का जीवन उसी में समर्पित है और मैं मेरे इस दोस्त से हमेशा कहता हूँ कि बहुत जल्दी देखिए हम लोगों का एक बहुत कमाल का बैठा वाला है तो मीडिया पूरी गजगजा के देखेंगे कि सुंदर आर्टिस्ट अपने मन से जब नाचता है। आज उन्होंने गत नाची अपने आप में एक माहौल बन जाता है अंदाज। तो बस मैं इससे बहुत बहुत शुक्रिया तक नहीं कहूँगा, मेरी दोस्त है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज हियर इन दिस एकेडमी एंड यू विल सी हर परफॉर्म एंड टेक वर्कशॉप्स इन दिस एकेडमी। So we look forward. Thank you for coming. Thank you so much, Sandeep. It is such a pleasure. I wish you all the best. Thank all my you. Blessings, duas, everything. Thank you. Thank you so much. Thank you.